हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सी प्लस 450 YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप की जो साउंड की प्रॉब्लम आती है, उस साउंड की प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास HP का लैपटॉप है और 4i3 है। तो इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है, इसके जो स्पीकर दिए होते हैं हमारे लैपटॉप में, इनबिल्ट जो स्पीकर होते हैं, उसमें से साउंड नहीं आ रहा है हमारे इसमें। लेकिन जब हम इसमें हेडफोन को यूज करते हैं तो हमको साउंड बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, पर इसके स्पीकर से साउंड नहीं आता है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो इस प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमने सबसे पहले इसके ड्राइवर्स को करके देख लिया और सारी सेटिंग्स को करके देख लिया, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। तब हमको कन्फर्म हो गया कि हमारी जो हार्डवेयर है इसका साउंड का, उसमें प्रॉब्लम है। तो हम उसको फिक्स करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसको हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कवर बाहर आ गया है, अभी हमने कवर निकाल दिया है और हम अब देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपके स्पीकर में साउंड नहीं आता है और आप हेडफोन को कनेक्ट करते हैं तो उसमें साउंड आता है। तो जहाँ तक हम मानते हैं, लगभग हमारा जो ऑडियो सेक्शन है वो रेडी होता है, और जो प्रॉब्लम होती है स्पीकर की वजह से होती है। अगर आपके हेडफोन में साउंड आ रहा है और स्पीकर भी ठीक है, फिर भी नहीं आपके साउंड आउटपुट आ रहा है, तो आपके साउंड के जो हमारे स्पीकर के जो कनेक्टर होते हैं उसके आसपास जो रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं, हम उनको चेक करेंगे डिटेल में, तो हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो हमने इसको चेक किया था, हमारा सब बाकी सब ठीक है और हमारे स्पीकर में प्रॉब्लम थी। तो हम स्पीकर को अभी ओपन करेंगे आपके सामने, और ओपन करने के बाद में हम इसके स्पीकर को भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे ठीक है या नहीं ठीक है। आप इसके वायर कनेक्टर पे भी चेक कर सकते हैं, इनके वायर पे चेक कर सकते हैं ओम रेंज में मल्टीमीटर को सेट करके। तो अभी हम इसको निकालते हैं, हम आपको इसको ओपन करके चेक कराएंगे।
हमको यहाँ पे कंफर्म है कि हमारी जो ये स्पीकर है इसमें ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा आउटपुट हमारे स्पीकर पे आ रहा है और इसका सेक्शन भी हमारा रेडी है। तो हम इसको ओपन करते हैं और हम इसको चेक करते हैं स्पीकर को। अगर आपके पास दूसरा स्पीकर है तो आप दूसरा स्पीकर भी लगा करके सेक्शन को चेक कर सकते हैं कि सेक्शन आपका रेडी है या नहीं रेडी है। उसे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके स्पीकर में प्रॉब्लम है या सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हमने चेक किया था तो हमको स्पीकर में प्रॉब्लम मिली है, तो हम स्पीकर को ओपन करेंगे और स्पीकर को एक एक करके हम चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्पीकर को इसके कवर को निकाल दिया है और ये हमारा स्पीकर है, हम इसको चेक करेंगे। और स्पीकर को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर की सहायता से इसको चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमको मल्टीमीटर पे कुछ ओम दिखा शो करना चाहिए। देखते हैं इस पर शो करता है या नहीं करता है। अगर हमको यहाँ पे ओम दिखाता है तो हमारे स्पीकर ओके रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमको कोई भी ओम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमको कन्फर्म हो चुका है कि इसका स्पीकर में ही प्रॉब्लम है। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर भी सेट करके इसको चेक कर सकते हैं, तब भी यहाँ पे अभी हमको कोई भी ओम और बेप का साउंड भी नहीं आ रहा है। तो हमको श्योर है कि ये अभी हमारा ख़राब है और हमने पहले भी कन्फर्म कर लिया था, हमने दूसरा स्पीकर लगा करके देख लिया था तो हमारे स्पीकर, इसीलिए हमने इसको खोल के फिर से चेक किया। तो हम इसकी जगह पे हम अगर आपके पास है तो आप इसको वन बाय वन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा कंप्लीट सेट है तो आप लगा सकते हैं। हमको सेकेंड हैंड मिल गया था तो हम पूरा इसका कंप्लीट सेट ला लिए हैं, हम उसको लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर ऑडियो सेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो हम जब उसमें हेडफोन लगाते हैं सेक्शन का, तब भी हमको साउंड वहाँ पे सुनने को नहीं मिलता है, साउंड तब भी नहीं आता है। तो हमको कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो साउंड का सेक्शन है, ऑडियो का सेक्शन है, वो सेक्शन में प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा अगर सिस्टम में जो स्पीकर है उसमें साउंड नहीं आ रहा है, हेडफोन लगाने पे साउंड आ रहा है, तो हमें उसे पता चल जाता है कि हमारा स्पीकर जो इसमें इनबिल्ट आते हैं उसमें प्रॉब्लम है, या फिर उसके पास के उसके कनेक्टर के पास लगे हुए रजिस्टर या कैपेसिटर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो हम उसको चेक करेंगे। तो अभी हम इसको चेंज कर देते हैं, हम नया स्पीकर लगा देते हैं इसमें दूसरा वाला और इसको हम कर देते हैं पैक। अभी आपको पता चल गया होगा कि स्पीकर को कैसे चेक करते हैं, तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं पैक।